नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। रेलवे अधिकारियों से सांठगांठ कर विरोध, बेच रहा सड़ा गला सामान। रेलवे अधिकारी कोई अप्रिय घटना का क्या कर रहे हैं इंतजार? ऐसी चीजें खाने पीने से कभी भी जान जा सकती है। रेलवे अधिकारियों की कार्यप्रणाली एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। रेलवे स्टेशन में हर रोज हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। कहने को तो रेलवे अधिकारियों ने नियम कानून बना रखे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिन नियमों को बनाया गया है, क्या उन नियमों का पालन रेलवे स्टेशन पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी नहीं मानते, उल्टा नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं गरीब ग्रामीणों को नियम कानून की धौंस दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन शहडोल में जिस तरह की भर्रे शाही चल रही है, शहडोल रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिर कौन करेगा कार्यवाही। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा की तर्ज पर चल रहा है शहडोल रेलवे स्टेशन। यहाँ रेलवे का नियम कानून नहीं, बल्कि एक कथित पेटी कॉन्ट्रैक्टर विनोद सिंह का नियम कानून चलता है। रेलवे स्टेशन के अधिकारी वही करते हैं जो कथित पेटी कॉन्ट्रैक्टर विनोद सिंह कहता है। वहीं अगर शहडोल रेलवे स्टेशन के कैंटीन की बात करें तो रेलवे स्टेशन के नियम के अनुसार कुछ भी नहीं बिकता, बल्कि सड़ा गला सामान बेचा जाता है। वहीं यात्रियों द्वारा शिकायत भी की जाती है, पर सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा ही ताज़ा मामला प्रकाश में आया है। एक यात्री ने कैंटीन से सामान खरीदा और सामान खराब निकला, जिसकी शिकायत भी यात्री ने कैंटीन संचालक को बताया। वहीं कैंटीन संचालक के द्वारा यात्री को ही दबंगई से धमकाया गया। यह है पूरा मामला। कस्टमर यात्री संदीप कटारे ने रात्रि दिनांक 11 सितंबर 2023 को 12:55 पर एक माजा फ्रूटी 10 रुपये वाला लिया, जो कि प्रिंट रेट 10 रुपये था और 12 रुपये का दिया, जिसमें कैंटीन संचालक ने कहा कि 2 रुपये ठंडा करने का लगता है। यात्री ने कहा ठीक है, 12 रुपये दिए। फिर जैसे माजा में पाइप डाला तो तुरंत माजा में चींटी व कीड़े निकलने लगे, जिसे देखकर दंग रह गया और उसने कैंटीन संचालक को कहा और दिखाया भी, तो कैंटीन संचालक ने कहा कि हम तो पैक सामान बेचते हैं, हमको नहीं पता कि कहां से कैसे चींटी आ गई, आप कंपनी को बोलो, मुझे नहीं। और कैंटीन संचालक ने यात्री को भगाने लगा। वहां से आसपास के लोगों ने वीडियो भी बनाई और वीडियो में कैंटीन संचालक की हरकत व यात्री की बात और माजा की चींटी कीड़े वाली वीडियो बनाई और मीडिया को भेजी और माजा के और पैकेट काउंटर के नीचे छुपाने लगा। कैंटीन संचालक ने कोतवाली पुलिस को धमका के भगा दिया। उतने में सिटी कोतवाली पुलिस भी वहां से गुजर रही थी, तो यात्री ने आवाज़ दी तो पुलिस आई और सभी मामले को पुलिस को बताया गया। फिर पुलिस देखना चाहिए तो कैंटीन संचालक ने दबंगई से कहा कि आपकी पुलिस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह दुकान रेलवे में आती है, आप RPF GRP लेके आओ तब कुछ बताऊंगा, आप यहाँ से जा सकते हो। RPF से शिकायत पर कार्यवाही शून्य। वहीं यात्री ने RPF शहडोल को सारी घटना की जानकारी दी। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि शहडोल RPF ने कोई कार्यवाही कैंटीन संचालक पर नहीं की, जो कई सवालों को जन्म देता है। वहीं रेलवे स्टेशन के नियम कानून के अनुसार कैंटीन संचालक के द्वारा खुला आइटम नहीं बेचा जा सकता है। सूत्रों से तो यह भी जानकारी मिली है कि काउंटर से अवैध रूप से समोसा, आलू भोंडा, चाय जैसी खुली चीज़ भी बिकती है और सुना है कि सिगरेट गुटखा भी बिकता है और कैंटीन में जो चीज़ें बिकना चाहिए वह सब चीज़ें बोर्ड में बस लिखी है, लेकिन कुछ भी बिकता। वहीं माजा के पैकेट में कई प्रकार के दाग भी लगे हुए थे, जैसे डेट तो ठीक थी, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से पैकेट रखे हुए थे और बेचा गया, जिसका वीडियो रेलवे के सभी बड़े अधिकारी को भेजा गया था, ट्विटर के माध्यम से और शहडोल में रेलवे के संबंधित अधिकारियों को भेजा गया और बिलासपुर DRM को भी भेजा गया, पर अभी तक कोई कार्यवाही रेलवे स्टेशन के अधिकारियों पर नहीं की गई है और न अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। जरा गंभीरता से सोचिए, जरा सोचिए, शहडोल रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों यात्री का आना जाना लगा रहता है,
वहीं रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का संचालक किया गया, पर रेलवे स्टेशन पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं रेलवे स्टेशन की कैंटीन से सड़ा गला सामान बेचा जाता है, पर न तो कोई कार्यवाही अधिकारियों द्वारा की जाती है और न जाँच। वहीं यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि शहडोल रेलवे स्टेशन के कैंटीन संचालक पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इनका कहना है, आपके द्वारा इस मामले की वीडियो व जानकारी मुझे दी गई है, मैं ज़रूर जांच कराकर कार्यवाही करूंगा और जो ट्वीट किया गया है ऊपर बड़े अधिकारियों को, उनके द्वारा भी जाँच चल रही है। पंकज कुमार गुप्ता, CHEI, रेल विभाग शहडोल। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस शहडोल से मिर्जा अफसार बेग की। आपके यहाँ से माजा ली गई है, इसमें ये पूरी चीटियाँ निकल रही हैं अंदर से, और भाई साहब का कहना है कि इसमें कंपनी का फॉल्ट है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। नहीं भैया, ये बंद है ना, ये पैक्ड है पूरा, कहीं कटा फटा तो भैया पैक को खोल के आपको दिखाया है ये। आपके पास सही है, अगर ये एक्सपायर होता है या कहीं काटा फाटा होता है तो सीटी अंदर जा रहे थे भैया, अंदर से ही है ना जो भाई आप आपके बेच रहा, आपने बेच रहा है? आपके पास ही है अंदर, लेकिन आप इसके अंदर ये देखिए, ये ऊपर से पूरा सड़ा हुआ है, इस टाइप का मटेरियल आप बेच रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य में क्या असर पड़ेगा? अंदर से अगर खराब है या अंदर काटा फाटा है कुछ है तो उसमें मान लो ठीक है हम लोग, लेकिन अब ये मान लो पूरा पैक्ड है पूरा। ये देखिए ना भैया, पूरा सड़ा हुआ है, यहाँ से पूरे चीटियां भरी है इसके अंदर, देखिए आप। अगर चीज आपके सामने है ना, ले हम आपसे रहे तो शिकायत हम आपसे करेंगे, कंपनी से करेंगे। तो सही, आप हमसे करिए, हम शिकायत करेंगे, कोई गलती बिल्कुल सही है, आप शिकायत हमसे करेंगे। ये सब कुछ इस टाइप का माल आप बेचेंगे तो पब्लिक के स्वास्थ्य पे क्या असर जाएगा? बिल्कुल खराब जाएगा। अगर आप हमसे कर रहे हैं, ये पूरा पैक्ड है, अगर इसके अंदर गड़बड़, ये शिकायत हम ऊपर करेंगे। आप ये आपके सामने है, इसके अंदर चीटियां भरी पड़ी हैं पूरी, देखो इसको। ऊपर दिखाओ, ऊपर का भी ले, स्टेशन का भी ले, बगल का भी ले।